हैं सिंह बॉर्डर पर गुरनाम सिंह चरूनी का संबोधन। हाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी का संबोधन और उन्होंने कहा एक झंडा चढ़ाने की वजह से देश में विरोध का सामना कर रहे हैं और आज गद्दारों की वजह से हमारा आंदोलन बदनामी झेल रहा है। भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने अपने संबोधन में कहा है कि चडूनी ने दिल्ली पुलिस पर हिंसा का ठीकरा फोड़ा। हमने दिल्ली पुलिस को पहले ही दंगे के लिए चेताया था। हरियाणा सरकार हमें बदनाम करना चाह रही है। भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ये कहा है कि एक झंडा चढ़ाने की वजह से देश में तमाम किसानों का विरोध हो रहा है और आज गद्दारों की वजह से हमारा आंदोलन बदनामी झेल रहा है। इसी बीच भाकियू प्रदेशाध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस पर हिंसा का ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा हमने दिल्ली पुलिस को पहले ही दंगे के लिए चेताया था। हरियाणा सरकार हमें बदनाम करना चाह रही है। ज्यादा जानकारी के साथ लाजपत हमारे संवाददाता फोनलाइन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, यहां भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी का बयान सामने आया है और उसी दौरान उन्होंने कहा है कि तमाम किसान संगठनों का, तमाम किसानों का जो कि यहां आंदोलनरत हैं, उनका लगातार विरोध हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए गुरनाम चडूनी जो एक हरियाणा की तरफ से काफी बड़ी लीड दे रहे हैं इस आंदोलन को, उसको मद्देनजर रखते हुए आज जो जहां से मंच चल रहा है वहीं से हुकार भरते हुए गुरनाम चडूनी ने साफ किया है कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार इस आंदोलन को खराब करना चाहती है और मद्देनजर रखते हुए ये कहा कि जो चार तरीके होते हैं वो तरीके सरकार अपनी अपनाती हुई नजर आ रही है। अलग अलग तरीके जो है सरकार अपनी मनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तिरंगे की अपमान पर भी गुरनाम चडूनी ने कहा है कि ये काफी बड़ा अपमान है देश का जो तिरंगे के साथ अपमान हुआ है, इसकी भी निंदा करते हुए नजर आए। जी लाजपत, कल के घटनाक्रम के बाद अगर सिंघू बॉर्डर पर जथेबंदियों की बात करें तो क्या कौमी एकता अभी भी बरकरार नजर आ रही है या किसान अपने गृह राज्य, अपने गांव लौटना शुरू कर चुके हैं? देखिए अपने घर राज्य बिल्कुल जो है किसान जाते हुए नजर आ रहे हैं, इससे साफ दिखाई दे रहा है वापसी अपने घर के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि काफी कल ही शाम से ही वापसी होती हुई नजर आ रही है। लाजपत, घर वापसी करने का कोई कारण जो कि किसानों की ओर से दिया गया हो, क्योंकि भाकियू प्रदेशाध्यक्ष के बयान की बात करें, राकेश टिकैत के बयान की बात करें, तो जो किसान संगठनों को लीड कर रहे हैं, जो किसान नेता हैं, देखिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि आंदोलन जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक जारी रहेगा, तो ऐसे में किसान अपने गृह राज्य क्यों लौट रहे हैं, क्या कारण बताया गया उनकी ओर से? बिल्कुल, देखिए कल की जो घटना थी दिल्ली में जो हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में एक रोष है, क्योंकि तिरंगे के साथ जो अपमान हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में रोष है और उस बात को लेकर ही कहीं ना कहीं घर वापसी की बातें नजर आ रही हैं। अगर बात करें तो लगातार जो किसान है, जत्थाबंदी है, सभी में एक ही चर्चा है, जो कल तिरंगे के साथ अपमान हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए किसानों में एक रोष है और लगातार जो है इस आंदोलन में काफी ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जो कि घर वापसी को ज्यादातर किसान देखने को मिल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए। तो सिंघू बॉर्डर पर गुरनाम सिंह चडूनी का संबोधन और उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा है कि एक झंडा चढ़ाने की वजह से देश में तमाम किसान संगठनों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और आज गद्दारों की वजह से हमारा आंदोलन बदनामी झेल रहा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को इससे हिंसा का जिम्मेदार ठहराया जाए और उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली पुलिस को पहले ही दंगे के लिए चेताया था।